So good morning everyone and welcome back to my YouTube channel guys. Early morning 5:30 o'clock. आप देख सकते हो सूर्यदेव हमारे सामने खड़े हैं. का दिन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक और बिजी है ब्रो. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, दैट मीन्स पहाड़ों में. और उससे पहले एक रैंडम राइड बन गया और इस राइड को अटेंड करना जरूरी था क्योंकि इसमें कुछ नए लोग भी आ रहे हैं. और ये मिड वे टू खंडोली है तो कुछ आप देख सकते हो सेटअप. ये है ब्रांड न्यू मिरर जो कि है डोमिनार BS6 के और हैंड गार्ड वगैरह सब लग चुके हैं थोड़ा. और एक फायदा है इसका कि भाई आराम से गाड़ी ना 110-115 से जाती है ना, इसके कारण फील नहीं होता है. मैं नहीं मानता. अपन ऑन टाइम लोकेशन पे खड़ा है. यहाँ से तिलमच्चू ब्रिज क्रॉस करके भाई आने वाले हैं अविनाश करके. तो लेट्स सी कितना लेट करते हैं क्योंकि हम लोग को आगे चलना है वे ऑफ धनबाद वाया कतरास और फिर उधर से निकलेंगे गोविंदपुर होकर के डुमरी. सो ऑलराइट गाइस, वी हैव कॉन्टिनेंटल GT 650. इट्स नॉट GT, इट्स इंटरसेप्टर ब्रो. सो हम लोग यहाँ से चलते डायरेक्ट सुमित भैया की लोकेशन की ओर जो कि है बैंक मोड़ के आसपास आई थिंक. तो हम लोग को मेन हाईवे पर निकल जाना है, ज़्यादा दूर नहीं लगेगा. सुबह सुबह हनुमान जी आ रहे हैं क्या? जय श्री राम. तो मौसम तो पूरा सेक्सी हो रखा है और थोड़ा सा नमी इस मौसम में, फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है. ऐसा लग रहा है कि भाई पानी थोड़ा सा बॉडी लग रहा है. और एक्चुअल में क्या, सुबह को थोड़ा सा जैकेट हल्का पानी डाल दिए हैं, मे बी दैट्स द रीज़न, आई डोंट नो. जय श्री राम. तो हम लोग पहुंच गए हैं हाईवे के ऊपर. Be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. Some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. हमारा पूरा एक घंटा बर्बाद करने के बाद बाकी लोग आ रहे हैं और ये लोग इतना आराम से लग रहे हैं भाई कुछ हुआ ही नहीं है. सोच रहे हो भाई 5 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 6:30 बज गया है, 7 बज ही गया होगा, अब टाइम एक्चुअल देखे नहीं अभी और अभी तक पहुंच रहे भाई लोग. इन लोग इतना खराब टाइमिंग, इतना लेट, इतना खराब टाइमिंग, बताइए आप लोग. सो भाई आज का मौसम कतई खतरनाक वाला गंदा मौसम भाई, पूरा बॉडी अजीब लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना उमस है मौसम में, पानी पड़ने के बाद ये मौसम ना बहुत खराब लगता है. एक होना जरूरी है ग्रुप में, पट 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 वाला बंदा. जो धूप वाला गर्मी ना एक्सेप्टेबल है, बट ये गर्मी ना भाई को एकदम पसंद है, चिपचिप वाला उमस वाला, एकदम कलकत्ता वाला गर्मी है वो. राइडर वाले भैया पट 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 राइडर वाले भैया. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वी हैव 3 बाइकर्स और आगे आने वाले हैं अमन. तो धनबाद में मिलते हैं खालसा के पास. सो फाइनली इट्स ऑलमोस्ट कितना है, 7:30 बज चुका है भाई. और यहाँ देख रहे हो खाने पीने में लोग लगे हुए हैं. बाय द वे अमन बहुत लेट से आया है, बहुत ज़्यादा लेट. और फर्स्ट टाइम अविनाश भैया का राइड है, सोच रहे हैं इन लोग कहाँ फंसा दिया हमको, हर जगह रो रोक दे रहा है खाने पीने के लिए चक्कर में. अभी गाड़ी ने ठीक से चलाया, बताइए. तो बस यहाँ से एक लास्ट हम लोग का ये स्टॉपेज है, यहाँ खाएंगे फिर वेट निकलेंगे डाइट खंडोली और फिर मस्ती करते हैं, फिर मिलते हैं. वाइज में हमारा दही आ गया है तो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको डाइट बाइक में. सो ब्रेकफास्ट इज डन और इट्स टाइम टू रोल. और देख रहे हो भाई पूरा मैसिव लाइनअप अपने 4-5 बाइक के साथ में. ले से आ रहे हैं, ले से आ रहे हैं. अरे भाई साहब पूरा ले लद्दाख का नतीजा, रोड है ही नहीं तो हुआ है. हाँ तो लूज हो गया, ब्रेक ही हो गया. ये टूटा है, ये गया है बाइक, एक्चुअली इस साइड इंपैक्ट पड़ा ये वाला ट्रक वाला ठोका. ये वो टूटा है, मतलब है पत्थर. अच्छा आगे जर्किंग सलीम, इतने सारे डंफर इस रोड में चल रहे हैं भाई, बस वही डंफर के कारण रोड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, मतलब चौड़ाई में. 'Cause I don't give a fuck what you say.
yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. ठीक है, तो चलाने में मजा आ रहा हो? खाली 1 करोड़ खाली था ना, चलिए। सो ऑलमोस्ट यहाँ से और 30 किलोमीटर है, यस। तो 1 घंटा दिखा रहा है, बट हम लोग आधा घंटे के अंदर पहुंच जाए। उसमें ही लगाइए, वही हाल होगा। देखिए, हुआ ये ना कि ये इसका बिट अलग रहता है। अच्छा। तो इसको क्या किया ना, हम एक कस्टम नट बनाए आज के लिए स्पेशली, कहीं लॉन्ग राइड था ना, थोड़ा बस ये लूज है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइट पर घुमा कसिएगा ना तो रहेगा, घर तक चल जाएगा। तो फाइनली वी रिच द खंजोली पार्क। गर्मी है भाई, ऊपर कुछ देख रहा है क्या? तार जोड़ रहा है। ट्रेन खंजोली पार्क से टिकट विकट लगने वाला है नहीं हम लोग को। अरे थोड़ा घूमने जा रहे ब्रो, यहाँ पर भाई बाइक स्लिप करने का चांसेस 118% बढ़ जाएगा। A few moments later. अब सुनिए सुनिए, इंजन पानी से ऊपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और घुसेगा, गाड़ी खड़ा हो जाएगा ना। बेस्ट। तो यहाँ थोड़ा खुरपाती दिमाग आया, तो बाइक को हम सोचे नहा देंगे, गर्मी में लग रहा है, बट हम लोग नहीं आ सकते, हमारे पास क्लॉथ नहीं है। सो बाइक यहाँ आ रही है, ऐसे सब कुछ सर्विस देना ही था हमको, लगा चलो थोड़ा खुरपाती है जरूरी है। क्या हो ब्रो, नहीं आ रहा लेने के लिए? तो रील्स वगैरह शूट हो रहा है, रील्स को देखने मिल जाएगा हमारे चैनल पे, यह इंस्टाग्राम पे D4Sumo ब्लॉग। ताम झाम के बाद हमें थोड़ा सा स्पेसियस रोड मिला है, तो यहाँ से 39 किलोमीटर को कंटिन्यू करना है। एंड आई होप कि ये रोड थोड़ा सा अच्छा हो। और क्या दिन है, जिस दिन हम इसी रोड से हम सिक्किम से वापस आए थे, और आज का वही दिन है जब हम सिक्किम जा रहे हैं, मतलब बाई ट्रेन जा रहे हैं, वहाँ से बाइक को रेंट कर लेंगे, तो इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा है। बाकी इसको लेकर नेपाल ही निकलेंगे, और नेपाल और सिक्किम में डिस्टेंस भी सेम पड़ता है, बट नेपाल एक अदर कंट्री हो जाता है, तो उसको एक बोलते हैं इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल हो गया वो, क्या कि भाई अदर कंट्री हो जाए। इस बात सुमित रफ्तार में 390 को उड़ाते हुए आ रहे हैं, इन्हीं का भी इंतजार था, आइए मेरे पास आइए। थोड़ा सा स्लो हो जाइए, आसपास वाहन है। देखो भाई 390 से जीत तो नहीं पाएंगे फ्रैंकली स्पीकिंग, बट कोशिश करेंगे टॉप एंड लेने का, ताकि वो टॉप एंड तक हमसे ना आगे निकले।
हेड टू हेड चल मेरी जान, तू कर सकती है। बस हाँ अच्छा हाँ 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 अच्छा ठीक है, वहाँ से लीजिएगा फिर वहाँ से। अरे कोई दिक्कत होता है, चलिए तीसरा गियर में टर्न की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अपना भाई टॉपिन लेने के बाद हम पीछे आने देंगे ट्रेंटी को, कहीं स्किल मैटर करता है यहाँ पर। ये भाई इतना ज्यादा हवा का प्रेशर है, इतना ज्यादा। आइए साइड में, साइड में आइए। जानते हैं क्या हुआ, इतना ज्यादा हवा का प्रेशर था ना, इतना ज्यादा हवा प्रेशर था कि ये ना पूरा मुड़ गया, ऐसे करके दब गया। हाँ ये क्या ना, अभी सही होगा। मेन हाईवे इतना ज्यादा प्रेशर था ना हवा का ना, हम देखे ना चुप गया, समझ गया कि नहीं 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 आज ये शोरूम जाएगा, इसके लक्षण में आया ही। जैसे हम टॉप इन लिए ना, झुके ना, प्रेशर पड़ा, फट से नीचे चले, हम समझ गए नट खुल गया। इस कट पे था वही तो मेरा टॉप इन घटता है ना भाई, पुल तो अच्छा रहता है। लगता है इसका रबड़ वगैरह पुराने हो गए हैं, प्रेशर नहीं झेल पाए और उखड़ गए भाई साहब। लेकिन गजब उखड़ा भाई, मेरा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह कुछ हो सकता भी है। बना लो सब तुम्हारे जगह। सो फाइनली वी आर इन तेरे पंजाब, और इतना हाई स्पीड पे कैमरा फोन सब ठिका रहा है, दिमाग का टेंशन हो रहा है। गेस मेरे सामने ये लड़का बिना गाड़ी के यहाँ आ गया। एलियन स्पेस है वो। सो फाइनली हम लोग का लंच कंप्लीट, हम लोग दोनों चल जाएंगे वे टू बोकारो, और बोकारो बाइक को हमको दे देना शोरूम में, तो देखते हैं वहाँ तक तो पहुँचा दे। कहेंगे गाड़ी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नेपाल के लिए रेडी करना है, तो वे हाँ मस्त अभी जाते हैं सिक्किम घूम के आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलिए श्योर श्योर। A few moments later. तो फिलहाल बाइक यहाँ छोड़ दिए हैं क्योंकि सारा काम होने में टाइम लगेगा फिलहाल, और आई एम गोइंग टू होम। गजन भैया आपकी जिम्मेदारी गाड़ी छोड़ दिए, कैमरा बोले आप प्रूफ के तौर पे, कुछ होगा तो आप समझिएगा, समझे ना। हाँ ठीक ठीक तो चलिए फिर घर चलते भाई, और होप सो जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आया विवेक हमको लेने के लिए, चल भाई घर चलते, अब मिलते हैं गाइस इस तरह कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.